सतगुरु साईं, सतगुरु साईं। अध्याय दूसरा। ग्रंथ लेखन का ध्येय कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड पंत, गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सचरित्र में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु। किस प्रकार विषूचिका के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया, बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने ये भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साई की जीवनी न तो उलझन पूर्ण है और न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाड पंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूं, मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूं और न ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूं। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित मात्र या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दास गणु की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने चार काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दास गणु ने केवल दो, भक्त लीलामृत और संत कथामृत।
जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगनु महाराज ने भी श्री साई बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साई सचरित्र रचने की आवश्यकता ही कहां पैदा होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं, तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साई बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साई बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए, तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। ये सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही ये विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें ये चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव, उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साई बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूं तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। ये प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई।
उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्याधिक सहायता करता हूं। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं। जब इनका अहम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड पंत। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाड पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूं। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदुरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बिठलाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही हुआ। ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और वो इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदुरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इसी निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती
तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता। परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। ये सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से बैठ करने जाना। ये सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था, मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका ये उपकार मैं कभी भूल न सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूं। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही ये विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शने शने अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहां रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वो घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, ये निरी विद्वता छोड़ दो। ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग एक घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा
और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। ये शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमति हूं। अतः मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं ये मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सचरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाड पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है। परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहां जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया, मार्ग कैसा है? तब बाबा ने कहा, अनेक पंथ है, यहां से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िये भी मिलते हैं। काका साहेब बोले, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा बोले, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़िये और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपर्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इस अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को
अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य यही दो गुण सहायक हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सब में तू है, तुझ में सारे, सब आते हैं तेरे द्वारे। सब में तू है, तुझ में सारे, सब आते हैं तेरे द्वारे। सब पाते हैं तेरा उजाला, एक सब का तू है रखवाला। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। वाचो पावन महिमा तेरी, छूटे मन की चिंता सारी। बाँचो पावन महिमा तेरी, छूटे मन की चिंता सारी। करूँ मैं पल पल चिंतन तेरा, सफल हो जाए जीवन मेरा। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का मैं हूँ राही। सतगुरु साई, सतगुरु साई, तेरे पथ का